नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। हम बात कर रहे हैं बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों की, जिन्होंने शनिवार को बरेली कॉलेज में तालाबंदी कर दी। कॉलेज के कार्यालय और लाइब्रेरी पर ताला भी जड़ दिया। इसकी वजह से परीक्षा फॉर्म जमा करने आए छात्रों को वापस लौटना पड़ा। पूरे दिन कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों को समझाने की भरसक प्रयास चलते रहे। प्राचार्य ने हालात पर सभी विभाग प्रभारियों की बैठक बुलाई और चीफ प्रॉक्टर शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ आईजी से मिलने भी पहुंचे और कर्मचारियों की तालाबंदी खत्म कराने की गुहार भी लगाई। मामला क्या है वो हम आपको बताएं तो बरेली कॉलेज के 150 से अधिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों ने 26 मार्च से तालाबंदी का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था और शनिवार को कर्मचारियों ने सुबह कार्यालय पर, लाइब्रेरी पर तालाबंद कर दिया, फीस काउंटर पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेजों में भारी संख्या जुट रही है। छात्र काउंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन काउंटर बंद होने के बाद उनके फॉर्म जमा नहीं हुए। काफी इंतजार करने के बाद छात्र भी घर वापस लौट गए। वहीं बात करें तो हालात को देखते हुए प्राचार्य ने सभी विभाग प्रभारियों के साथ बैठक बुलाई। इसमें कर्मचारियों की तालाबंदी खत्म कराने के लिए राय मशवरा भी लिया गया। इसके बाद सभी विभाग प्रभारी प्राचार्य के साथ कर्मचारियों के पास पहुंचे। कर्मचारी बिना मांग पूरी हुए तालाबंदी खत्म करने पर राजी नहीं हुए। इस दौरान कर्मचारी और प्राचार्य के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरी में तालाबंदी कर रहे हैं। वहीं प्राचार्य ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तो कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी 28 से 29 को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने जाएंगे और वहां पर भी अस्थायी कर्मचारियों और बरेली कॉलेज के मामले को उठाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने दो टूक कहा है, बिना मांगों के लिखित समझौते के इस बार तालाबंदी खत्म नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि सोमवार को बरेली कॉलेज की इस लड़ाई में क्या फैसला होता है। और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं जो लड़ रहे हैं। एक बताइए, एक आदमी और 165 लोगों ने अध्यक्ष चुना है, ईमानदारी से नेतृत्व कर रहा है, अपने साथियों की बात रखा है, गरीबों के दिक्कत को आगे लड़के लड़ रहा है। कम से कम अभी 356 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गया जब से 16 महीने के अंदर। हमारे हमारे पास क्या 50 रुपए होगी? हमने 14 दिसंबर से हमने पहले यहाँ पे धरना किया पिछले साल, अभी अभी दिसंबर में, जब वो 14 दिसंबर से धरना चलता रहा, जब 3 जनवरी को ताला बंद किया। संवाद जरूरी है बच्चों तक भी हमारी बात पहुँचे, ताकि ये जाए कि आपको बताएं कि इनकी जाय मांगे आपके सुनिए, उन्हें लाभ हो, बच्चियों को दो। इतने महंगे कमरे लेके बच्चे रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी जो बना हुआ है, लेकिन ये लोग महाभ्रष्ट लोग हैं। इसमें पूरा शिक्षक संघ शामिल है उनके गठजोड़ में। मैं इसमें कहते हूँ, कतई मुझे गुरेज नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। और उन्हें लगता है कि जितेंद्र मिश्रा कोई गलत कर रहा है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आप कानूनी कार्रवाई करवाइए, जेल भिजवाइए, जाने को तैयार है। ये लड़ाई बिल्कुल मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।